फिलहाल ये क्या सोच कर आया है, ये पूरा साज सज्जा क्या है? मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से, और मेरा नाम सरवन साह, मेरे पिता के नाम श्री भागरा साह, माता के नाम श्रीमती राम दुलारी देवी, और मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री का ये उनका संसदीय क्षेत्र महादेव की नगरी में हनुमान बन कर आए हैं। मैं हनुमान बन के आया हूँ, 140वां दर्शन के लिए आया हूँ, और आज गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, ओबीसी के मसीहा और आदिवासी के मसीहा, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की पद्धति पर आज पूरे दुनिया को दिखा दिए जो गरीब को कैसे मदद किया जाता है। हर जगह जाते हैं, सिर्फ बनारस ही पहुंचे? मैं पूरे भारत में 144वां दर्शन के लिए, 140वां दर्शन के लिए मैं ये मोदी भक्त हैं, उन्हें राम मानते हैं और खुद हनुमान बनकर ये 140वां प्लेस है जहाँ ये पहुँचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, यानी इनके जो श्री राम हैं उनका दर्शन करने के लिए। बहरहाल हम लोग बातचीत कर रहे थे पूर्वांचल की, तो 5 जो सीटें हैं जहाँ बीजेपी पिछली बार हारी थी, हालांकि एक सीट बाद में लेने में आजमगढ़ की सीट कामयाब रही थी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि कलाकार हैं वो चुनाव जीते थे 2022 में भी। चलिए ठीक है कुमार गौरव, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी मैं इस पर अपडेट्स लेती रहूंगी, क्योंकि तस्वीरें अब आने वाले वक्त में और ज्यादा अहम हो जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे।